अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टी20 मैच की। पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तान की कन्फर्म प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। दो अहम खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। बाहर करने की वजह और उनकी जगह पे कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए, इंतहाई ज़बरदस्त प्लेइंग 11 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मोहम्मद आमर को पाकिस्तान टी20 स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं, आप लोगों ने अपना कीमती कॉमेंट करना है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मज़ीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं प्लेइंग 11, फिर मैच का टाइम टेबल अभी आप लोगों को बता दूं और कैसे आप मैच को बराह रास्त देख सकते हैं। नंबर वन की बात करें बाबर आजम कैप्टन, नंबर टू की बात करें एग्रेसिव प्लेयर शर्जील खान, नंबर थ्री की बात करें मोहम्मद हफीज़, नंबर फोर की बात करें यहाँ पर सुहेब मकसूद, नंबर फाइव मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन, नंबर सिक्स वाइस कैप्टन शादाब खान, नंबर सेवन की बात करें मोहम्मद नवाज़, नंबर एट की बात करें यहां पर मोहम्मद वसीम को डाला गया है, हसन अली इंजर हो चुके हैं उनकी जगह पे, नंबर नाइन की बात करें अरशद इकबाल, नंबर टेन की बात करें उस्मान कादर, नंबर 11 शहीन शाह अफरीदी, यहां पर हारस रोव की जगह पे अरशद इकबाल को डाला गया है। पाकिस्तान की ये कन्फर्म प्लेइंग 11 है। आज 10:30 पर रात पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 स्टार्ट होगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। कौन सी टीम जीतेगी आप लोग अपना कीमती कॉमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।